सारा देश कोरोना के कहर से परेशान है। केंद्र और सभी राज्य सरकारें इससे बचने के लिए हर संभव उपाय करने में लगे हैं। इसी बीच कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली खबर राजस्थान से आई है। कुछ महिलाएं थैलियों में थूक कर लोगों के घरों में फेंक रही है। ऐसी खबर सामने आने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका और गहरा गई है। इस घटना से संबंधित कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में महिलाएं पहले थैलियों में थूक रही हैं और फिर उस थैलियों को घरों में फेंक रही हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला के हाथ में पॉलिथीन है और वो इस पॉलिथीन को घर में फेंक रही है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो कोटा के वल्लभबाड़ी का है। कोटा के इस इलाके में एक नहीं बल्कि 4 से 5 संदिग्ध महिलाओं के ऐसे करते देखा गया है। ये महिलाएं पहले थैलियों में थूक रही हैं और फिर घरों में फेंक रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह तस्वीर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यहां सनसनी फैल गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि घरों में थैलियां फेंकने के बाद यह महिलाएं आराम से वहां से चली गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहां रहने वाले लोग पुलिस थाने पहुंच गए और पास के थाने में इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने अपनी तरफ से इन महिलाओं को तलाशने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। लोगों का कहना है कि जब सीसीटीवी फुटेज में यह महिलाएं नजर आई तो उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक वहां से फरार हो चुकी थी। इधर इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इलाके के लोगों की शिकायत मिलने के बाद इन महिलाओं की तलाश की जा रही है। नगर निगम से बातचीत कर पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं कई जगहों पर गुटखा और पान मसाला बेचने और बनाने वालों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश के कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर थूक को संज्ञान अपराध घोषित कर दिया गया है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो सख्त कानून के अस्तित्व में आने के बावजूद थूका थाकी बंद नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार ने भी पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद कोटा के वल्लभबाड़ी इलाके में थूकते हुए 4 से 5 संदिग्ध महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। इन महिलाओं ने घरों में थूक कर सनसनी फैला दी है। पुलिस तक जानकारी पहुंचाने के बाद महिलाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर घरों में थैलियों को फेंक रही थी। घरों में थूक भरी थैलियों के फेंकने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीसीटीवी वाले घर के लोगों के बाहर आते ही सभी महिलाएं वहां से भाग गई। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने गुमानपुरा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस की टीम ने काफी देर तक महिलाओं की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। कोई दो महिलाएं जो घरों के बाहर थूक रही हैं, जिस सूचना पर चौकी का जाप्ता भेजा गया, वो महिलाएं जा चुकी थी। उसके बाद में आसपास उनको ढूंढा भी गया। उसके बाद नगर निगम से लेकर और प्राइवेट स्तर पर मशीन मंगाकर उस जगह को उनको सैनिटाइज कराया था। सर, इनके तलाश की जा रही है, कौन है? हाँ, इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरे में गुंडगी और दूर से तस्वीर आ रही है, इसलिए उनको भी वल्लभबाड़ी एरिया में 3-4 लेडीज और उनके साथ 1-2 बच्चे हमारे घर के बाहर से निकल रहे थे। इतने में ही हमने देखा कि वो प्लास्टिक की थैलियों में थूक कर और गंदगी करके सभी मकानों में उनके गेट पर लगाने लगे। हमें शक हुआ तो हमने जानकारी मालूम पड़ी। जब तक उन्होंने सारे घरों में, जितने भी हमारे वल्लभबाड़ी के मकान है पूरी लाइन में, उन्होंने सारे गेटों पर इस तरह की गंदगी फैलाकर और घरों में फेंक कर चले गए। जब हमने उनका पीछा किया तो वो हमारे यहाँ से भाग गई। हमें शक हुआ, हमने तुरंत कंट्रोल रूम कोटा पुलिस स्टेशन को फोन किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.